हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। हेल्थ के प्रति हम सभी बहुत कॉन्शियस रहते हैं, उसी के लिए हम अच्छी डाइट भी लेते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आपके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना है, क्या आप नॉर्मल हैं या फिर अंडरवेट हैं या फिर ओवरवेट हैं। इसको बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं एक फॉर्मूले से जिसे हम कहते हैं BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो आपका वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना है। ये भी तो बताता है कि आप स्वस्थ हैं या फिर आपको फैट ज़्यादा है आपके अंदर या आपको फैट गेन करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप आगे चल के डाइट पर ध्यान दें या फिर अगर वज़न ज़्यादा है तो उसे कम करने पर ध्यान दें। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो BMI को जानने के लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है BMI, और उसके बाद जो इंटरफेस आएगा वो अभी मैं आपको आगे स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको आगे की चीज़ों को फिल करना है और कौन से ऑप्शंस को चूज़ करना है। बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप मुझे कमेंट कर सकें और फिर हम आपके कमेंट के आधार पर ही नई नई जानकारियों को लेकर आएँ और आप भी हमेशा अपडेट रहें। इसमें आपको सीधा गूगल पर जाना है और वहाँ के सर्च बार में आपको लिखना है ऑनलाइन BMI, जैसे मैंने लिखा हुआ है, और इसको सिंपली यहीं से हम इसको सर्च कर देंगे। ये मैंने इसको सर्च कर दिया। अब हमारे पास जो ऑप्शन नीचे खुलकर आएगा वो ये आ गया, पहला ऑप्शन लिखा है BMI कैलकुलेटर, हम इसको क्लिक करेंगे। अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इस समय ध्यान देना है कि जो ये इंटरफेस आपके सामने अब दिख रहा है कि BMI कैलकुलेटर, और नीचे लिखा है फिर मॉडिफाइड वैल्यू, इसके नीचे देखिए US यूनिट्स और फिर आगे लिखा है मैट्रिक यूनिट्स, तो हमें मैट्रिक यूनिट्स को चूज़ करना है। तो मैंने ऑलरेडी इस पर ये जो क्लिक किया, और जब हम क्लिक करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग, मैट्रिक यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम अपनी सारी डिटेल इसमें भरेंगे। जैसे एज, तो हम इसमें एज भर देंगे अपनी, जिस तरीके से इसमें 25 ऑलरेडी फिल है, तो मान लीजिए मैं इसमें कर देता हूँ 28। और फिर इसमें कह रहा है जेंडर मेल या फीमेल, तो इसमें मेल में ऑलरेडी क्लिक है। आपकी हाइट कितनी है, तो मैं इसमें हाइट फिल कर देता हूँ 72। और इसके बाद इसमें वेट मैं कर देता हूँ 67, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ हमारा ये फिल हो गया। अब देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से आपका ये जो इंटरफेस सामने दिख रहा था, इसको आपको एज, जेंडर, हाइट और वेट, ये तीन चार चीज़ें आपको फिल करनी है। और उसके बाद नीचे जो लिखा है ग्रीन कलर में कैलकुलेट, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो सामने आपके इंटरफेस आया है, ये लिखा है इसमें BMI कैलकुलेटर रिज़ल्ट ग्रीन कलर का, और रिज़ल्ट इसने दिया है BMI इज इक्वल टू 22.6, और आगे लिखा है नॉर्मल, ठीक है। यानी जो हमारा वेट, हमने जो एज के अकॉर्डिंग जो भी फिल किया था हाइट एंड वेट, वो नॉर्मल बता रहा है। अब इसके नीचे एक स्ट्रिप भी दिखाई दी है कलरफुल, ये भी ये बताती है कि आपका जो 22.6 जो BMI आया है वो किस रेंज में है। तो देखिए ये ग्रीन के ऊपर एरो दिखा रहा है और ये बता रहा है कि आपका जो वेट है वो नॉर्मल है। और अगर हम एक नॉर्मल रेंज की बात करें कि क्या नॉर्मल रेंज होती है, तो ये उसके नीचे भी दिखा रहा है कि हेल्दी BMI रेंज इज़ 18.5 से लेकर 25 तक होती है। तो इस तरीके से आप BMI बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अब ये सवाल आ जाता है कि अगर हमने इस तरीके की यूनिट भरी तो हमारा वेट परफेक्ट है या ओवरवेट है या अंडरवेट है। तो जैसे मान लीजिए इसमें 22.6 आया है, तो ये नॉर्मल दिखा रहा है। अगर आपका ये BMI जो ऊपर लिखा है BMI 22.6, अगर ये बहुत ज़्यादा कम आएगा तो फिर ये जो अंडरवेट लिखा है इस रेड कलर की स्ट्रिप में, इसमें दिखाने लगेगा। अगर आपका ये बहुत ज़्यादा आएगा BMI, तो फिर ये ओवरवेट या ओबेसिटी में दिखाने लगेगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप इसमें पता कर सकते हैं कि आपका BMI क्या है। ये नॉर्मल रेंज, इसके नीचे जब आप स्क्रॉल अप करेंगे तो वहाँ पर भी एक पूरा चार्ट दे रखा है, ये देखिए स्क्रीन में, कि आपका जो कैटेगरीज़ हैं कैटेगरीज़ वाइज और BMI रेंज, कि अगर आपका 16 आता है BMI तो फिर क्या स्थिति है आपकी, यानी सीवियर थिननेस, बहुत कमज़ोर हैं आप। तो इस तरीके से ये पूरा BMI नीचे दे रखा है।
कि क्या रिज़ल्ट आपका आता है बीएमआई का, तो उस हिसाब से आप किस पोजीशन में है। ये बहुत अच्छे से आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, कहीं किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक सो कि इसे आप आराम से अपने आप कर लेंगे। ये था बहुत ही सिंपल और आसान बीएमआई निकालने का तरीका। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोन उठाना है अपना और बीएमआई अपना निकालना है और ख़ुद हेल्दी रहना है, और दूसरों को भी आप हेल्दी रहने की सलाह दे सकते हैं उनके बीएमआई के अकॉर्डिंग। तो अगर नेक्स्ट आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप मुझे अपने कमेंट भी भेज सकें। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।